She's crazy like a fool. Put on his jeans or guitar. वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के When we remember Zion. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम कितना कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, अपना पैशन, जुनून, दोस्ती, पर जो दोबारा इन चीजों को इकट्ठा करता है वो ही जिंदगी को सही मायने में जीता है। जेएमडी ऐसे ही कुछ लोगों से मिला जिनकी जिंदा दिली ने उन्हें बहुत कुछ वापस लौटा दिया, उनका जुनून, उनका पैशन और वो पुरानी। Of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat. संगीत हम सभी के जीवन में उमंग भरने का काम करता है। कोई संगीत को जीता है तो कोई संगीत के लिए जीता है। यारों का दिल को जाता है तो दिल दोनों जवां आंखों का ये बयां दोनों के दरमियां कोई भी हो ना यहाँ कैसा पर्दा अपनों से कैसा पर्दा मोनिका ओ माय डार्लिंग मोनिका ओ माय डार्लिंग। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी जिन्होंने स्कूल लाइफ में म्यूजिक को जिया फिर खुद को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, कोई बैंक में अच्छे पद पर पहुंचा, तो किसी ने बढ़िया व्यापार जमाया, तो कोई सरकारी नौकरी के साथ संगीत में पारंगत हुआ। उड़ा के निंदिया कहां तू चली, ओ पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया। फिर इतने सालों बाद कैसे संगीत ने ही इन दोस्तों को दोबारा मिलाया, आप खुद इनकी जुबान से सुनिए। दोस्तों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज एक ऐसे तीन दोस्तों की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके अंदर भी बहुत सारा जोश भर जाएगा। ये कहानी है 1992 से शुरू हुई, एक तीन जोशीले लोग जिनको गाना बजाना बेहद पसंद था। स्कूल खत्म होने के बाद वो सब कुछ भूल गए, कोई किसी ने अपना घर छोड़ दिया तो कोई कहीं शिफ्ट हो गया, लेकिन एक दिन फिर वो जुनून वो जोश वापस आया और उन दोस्तों ने एक अपने सबका एक साथ हाथ पकड़ा और शुरू किया अपना दोबारा बैंड। जी हाँ, इल्यूमिनाटी बैंड। नाम सुन के आप तो सोच रहे होंगे कि कैसा नाम है, तो लोग कैसे होंगे, यानी ये दोस्त कैसे होंगे, तो चलिए इन दोस्तों की कहानी आपको सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, वो इंट्रोडक्शन अपना खुद देंगे और बताएंगे क्या है ये इल्यूमिनाटी। पुरानी जींस और गिटार, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के When we remember Zion। तो चलिए, वो जिन तीन दोस्तों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले थे वो है ये। देखिए, एक ही टी शर्ट में यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने बैंड को प्रमोट करने के लिए, जो बैंड है इल्यूमिनाटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इल्यूमिनाटी क्या है, इस बैंड का नाम इल्यूमिनाटी इन्होंने क्या सोच कर रखा। जी, क्या नाम है आपका? हेलो कानपुर,
मेरा नाम है मनोज अग्रवाल। इल्यूमिनाटी द रॉक बैंड, इल्यूमिनाटी नाम इसलिए हम लोगों ने दिया इसको क्योंकि एक इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को चला रहा है। दुनिया में जो कुछ भी होता है सब इल्यूमिनाटी की मर्जी से होता है। क्या सच है क्या नहीं किसी को नहीं पता। हाँ, इल्यूमिनाटी का संबंध म्यूजिक से बहुत है, बहुत गहरा नाता है। और कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी जो भी कुछ करता है और करवाता है उसमें म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या इल्यूमिनाटी द बैंड हमारे इस छोटे से रॉक बैंड के लिए एक एप्रोप्रिएट नेम होगा, यही सोच करके हम लोगों ने इसको ये नाम दिया। मेरे साथ इस बैंड में हैं मेरे गुरु, मेरे टीचर, मेरे म्यूजिकल गाइड राजा चौधरी सर। राजा चौधरी सर किसी नाम के मोहताज नहीं है, इनको पूरा कानपुर ही नहीं पूरा यूपी जानता है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कीबोर्ड प्लेयर्स इन इंडिया, बहुत बढ़िया कीबोर्ड बजाते हैं। इनकी जर्नी शुरू हुई थी गिटारिस्ट के रूप में और अब ये पियानिस्ट बन गए। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। खूबसूरत शाम है, जबरदस्त दोस्ती है, तो चलिए जान लेते हैं कि कहां से हुई इस दोस्ती की शुरुआत और ब्रेक लगने के बाद दोबारा वो रीयूनियन कैसे हुआ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार देवनानी है और मैं बेसिकली माय प्रोफेशन गारमेंट रिटेलर हूं। खैर, ये जर्नी तो आपने बात छेड़ी है मैम, बहुत बहुत खूबसूरत यादें बसी हुई है उसके साथ। और ये बात है आई थिंक इन द ईयर 1992 जब हमारे स्कूल में हम लोग का एक स्मॉल बैंड हुआ करता था, मैं और मनोज गाया करते थे। तो हम लोग नेचुरली हमारे टीचर ने देखा कि यार ये लोग तो थोड़ा बहुत गा लेते हैं तो क्यों ना कोई इनको थोड़ा बहुत सिखा लिया जाए। तो एक स्कूल टाइम में भी कहते हैं ना कि कोई गुरु ने हाथ हमारे ऊपर रख लिया तो बड़ा अच्छा लगा। और हम लोगों ने उस समय की यादें हैं, कुछ बढ़िया गाने और थोड़ा बहुत गाते थे। और जैसे ही हम लोगों ने 1993 के बाद हम लोगों ने स्कूल पास आउट किया, हर आदमी अपने प्रोफेशन में लग गया, मनोज बाहर चले गए, सर हमारे आउट ऑफ इंडिया चले गए, मैं भी बाहर चला गया था। और लौट के आई थिंक 2017 में हम लोग वापस मिले, सर ने हम लोग को बहुत सालों बाद मिले और बोले भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर हम तो दुकानदारी कर रहे हैं। ये बोले सर हम तो बैंकिंग कर रहे हैं। तो बोला क्यों ना हम लोग अपना एक नया बैंड बनाते हैं, रॉक बैंड। अरे हमने कहा सर ना आवाज़ में ना हम लोग के सुर में ना सुर बचा हुआ है ना कुछ है, कहाँ हम लोग के ऊपर आप मेहनत करेंगे। सर ने ये चैलेंज उठाया और सर ने वो कर दिखाया जो शायद हम लोगों ने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था। तो आज आपके सामने रिजल्ट है। 2017 में हम लोगों ने अपना बैंड की प्रैक्टिस स्टार्ट करी और 2018 आई थिंक अक्टूबर 2018 में हमने उसको लॉन्च किया और आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल लॉन्च और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हम लोगों ने अपने पैशन को रिलीव किया और वी आर वेरी हैप्पी। चाहे इतना कोरोना आ गया, नकारात्मक लोग मिल रहे हैं, बट येस वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी स्टिल वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ वी आर लिविंग इट अप। बहुत खूबसूरत बातें हैं लगातार चल रही हैं। तो जो दोस्ती है उनसे जान लेते हैं, जो ये दोस्ती पक्की दोस्ती यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि इतने सालों बाद दोबारा से मिलना तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये तो ऊपर वाले ने लिख रखा था तभी ये दोबारा से ये रीयूनियन हुआ है। तो कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं किसी भी चीज की शुरुआत होने से पहले, तो जब आपने ये शुरुआत करी दोबारा से तो घर वालों ने किस तरीके से बिहेव किया, फैमिली फ्रेंड्स, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, बहुत सपोर्ट मिला होगा, कुछ उस बारे में बताइए। देखिए आपने सही कहा कि जब हम लोगों ने शुरू किया
तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आया कि हम लोगों के पास, तीनों के पास टाइम का बहुत किल्लत थी। मैं बैंकर हूँ, ये गारमेंट रिटेलर है, सर गवर्नमेंट जॉब में है, बट किसी तरह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए हम लोगों को संडे के संडे मिलना है। तो संडे 8 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया और 8 से 12 चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात हो, कुछ भी हो, हम लोगों को मिलना है और प्रैक्टिस करना है। और उसी का नतीजा है कि हम लोग अपने बैंड को लॉन्च कर पाए और आज हम लोग किसी भी सूरत में परफॉर्मेंस 2 घंटे का आराम से दे सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। दूसरी चीज़, देखिए आपने जो बात कही कि फैमिली क्रिटिसिज्म, कोई भी आदमी कुछ भी करे, किसी भी पैशन को परसू करे, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली का सपोर्ट होना। और हम तीनों लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसी फैमिली है जिन्होंने हम लोगों को इनकरेज किया। इस जर्नी में कई मोमेंट्स ऐसे आए जब हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, और वो मौके ऐसे थे जहां हमें फैमिली का सपोर्ट मिला, इनकरेजमेंट मिला, और उन लोगों ने ये कहा कि नहीं तुम कर पाओगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी जो हम लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रही वो थी हमारे दोस्तों की एक बहुत बड़ी फौज। हमारे इतने दोस्त हैं कि हम आपको क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम लोग दोस्त मिलते हैं तो सारे दोस्तों की सिर्फ एक फरमाइश होती है, मनोज कुमार एक गाना हो जाए, राजा सर आप बजाइए और ये दोनों गाएंगे। और उस इस फीलिंग के साथ जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो दोस्ती सामने आ जाती है, दोस्त सामने आ जाते हैं, फैमिली सामने आ जाती है और परफॉर्मेंस अपने आप ब्यूटीफुल हो जाता है। बहुत अच्छे, तो ये बातें लगातार चल रही हैं। और जब इन दोनों लोगों से ही बात करी तो सबसे कॉमन बात यही समझ में आई, उनके टीचर जिन्होंने उनको ये सारी चीजें सिखाई हैं, लगातार वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जहां इन्होंने बताया कि जब ये अपने स्कूल के एक छोटे से क्वायर में गाया करते थे तो टीचर ने इनको इनकरेज किया और एक अच्छा सिंगर उस टाइम पर बनाने की कोशिश की। और दोबारा आज जो भी ये रीयूनियन हो पाया है वो कहीं ना कहीं उनके टीचर की वजह से हो पाया है। तो उनके टीचर से जान लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इतने सारे बच्चों में सिर्फ इन दोनों को ही क्यों चुना। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि हाँ ये सही बात है, जैसे स्कूल में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं और क्वायर में उन लोग, लेकिन उन लोगों में से जैसे फैमिली में होता है ना कि बच्चा, जैसे बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं और उसमें से एक बच्चा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलता है, और वैसे मुझे लगा कि इन दोनों में वो चीज़ है। तो इन लोगों में मैं एक स्पेशल अटेंशन लिया मैंने, इन लोग अलग बुला के इन लोगों को वहाँ पे उस, बल्कि क्वायर ये लोग लीड ही करते थे उस समय स्कूल में, बहुत अच्छा आता था। फिर जब हम लोग बाद में मिले हम लोग, हाँ ये बात सही है कि उस समय जब सबसे पहले हम लोग मिले, फिर हमें लगा कि वो जर्नी थोड़ा सा टफ है थोड़ा सा, मगर मुझे, मैं ऑलवेज मैं पॉजिटिव को लेके सोचता हूँ, कभी भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी कभी नहीं आई। और मैंने ये एक चैलेंज वो कर लिया कि हाँ इन दोनों को ग्रूम करना है, फिर से करना है। और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी अगर इन लोगों में अगर चाबी भरी जाए तो शायद दोबारा से वो दौड़ पड़ेगा जी। तो वही हुआ एंड थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, बट आई एम वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच सेटिस्फाइड कि वाकई मैं कुछ कर पाया हूँ और आज मैं इधर आया हूँ। अभी भी जर्नी बहुत लंबी है और अभी बहुत आगे तक मुझे जाना है, बहुत कुछ सीखना। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, बल्कि कभी कभी ये लोग बोलते हैं हाँ सर ऐसे करिए, और मैं खुद भी कंपोज कर रहे हैं। हम लोगों ने फ्यूचर में ये भी सोचा है कि कुछ हम लोग अपना ओन एल्बम निकालेंगे, अपना कंपोज कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अपना प्रोडक्शन हाउस भी है मेरा और मैं इन लोगों को लेके मैं वो प्रोडक्शन करूँगा। एंड लेट्स क्रॉस द फिंगर। सर जैसे कि आपने बताया कि आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं, कुछ अपने बारे में बताइए कि कितने साल हो गए, कितने कौन कौन से लोग आपसे जुड़ते गए और जिस तरीके से आपकी तारीफ लगातार सुनने को मिल रही है, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएं अपनी फैमिली। तारीफ पता नहीं, इतना तो तारीफ के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ है कि शुरू से बचपन से मुझे कुछ अलग करने का एक मतलब रहता था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे भीड़ में अपने आप को अलग से, मतलब कुछ ऐसा करना है कि लोग भीड़ में मुझे अलग से इंट्रोड्यूस, मतलब देखे कि हाँ राय चौधरी कुछ है इस भीड़ में। तो मैंने भी वही सोचा, मैं इस लाइन में
42 ईयर्स हो गए मुझे इस लाइन में, म्यूज़िक वर्ल्ड में। मैं बेसिकली गिटारिस्ट हूँ और मैंने ARSM से मैंने ग्रेड 8 में क्वालिफाई किया लंदन स्कूल से। और म्यूज़िक तो मेरे मतलब वो खून में है और मेरे मम्मी पापा दोनों मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। और कुछ अलग हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि कुछ अलग करना है, क्या करना है वो नहीं सोचता हूँ मैं, लेकिन जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आने लगते हैं कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे अभी भी जैसे हम लोग परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि ओरिजिनल सॉन्ग को हम लोगों ने एक नया कलर दिया, एक नया फ्लेवर दिया हम लोगों ने। और क्योंकि उन सारे गानों को सारे लोगों ने सुना है, सब लोगों ने सुना है, लेकिन वही चीज़ मैंने बताया कि मुझे उस भीड़ में मुझे अलग मुझे दिखाना है। तो उन गानों को सब लोगों ने सुना है तो फिर अगर वही गाने अगर डिट्टो अगर मुझे मैं अगर वैसे ही अगर प्रोड्यूस करूं तो लोग सोचेंगे यार वही गाने सुनने के लिए हम क्यों आए यहाँ पे, हम तो वो टीवी में देख सकते हैं, हम ऐसे गाना सुन सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं हमें। बट नो, वो हमें अलग करना है, हमें ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। वो कैसे अट्रैक्ट होंगे उसको मैंने चेंज किया, मैंने टोटली हमने उस गानों को हमने उसके कलर, उसका फ्लेवर, उसका पूरा जो डायमेंशन है उसको पूरा हमने चेंज कर दिया, चेंज करके और फिर उसको नए तरीके से हमने उसको प्रेजेंट किया। और ऑफ कोर्स ये दोनों बच्चे जो हैं हमारा बहुत मेरा मतलब दे आर ये लोग मेरे बैकबोन हैं। इनफैक्ट इन लोगों के बगैर दिस इज़ अ टीम वर्क, इन लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ अलग। मैं सिर्फ म्यूज़िक कंपोज कर लूँ और ये लोग अगर ना गाएँ, अगर ये लोग ना रहें तो इट्स इनकम्प्लीट। मैं टोटली मैं इन दोनों के बगैर मैं इनकम्प्लीट हूँ। मैं जब ये दोनों मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं कम्प्लीट हूँ। तो बहुत अच्छी बातें लगातार चल रही हैं। तो जो सवाल यहाँ पर सबसे पहले उठ रहा है वो ये है कि जब आप लोगों का दोबारा से रीयूनियन हुआ तो जो पहला गाना था जो आप लोगों ने बड़ा ही खराब गाया था तो उस गाने की जरा दो लाइन जो अब काफी सुधर गया हो जरा सुना दे तो हमारी जो पब्लिक है वो ये जानेगी कि वो कौन सा गाना था जो आप लोगों ने काफी खराब किया था। समर ऑफ 69। तो एक बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस गाना है जो कि हर हमारे जमाने के यंगस्टर्स के दिल में बसता है। वो गाना है समर ऑफ 69। तो मैं शायद उस तरह से ब्रायन एडम्स का गाना है, गाया हुआ गाना है। ब्रायन एडम्स इज़ अ वेरी वेरी बिग नेम और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस गाने को कई बार परफॉर्म किया है। तो जब वो गाना हमने पहली बार उठाया तो शायद हम अभी वो आपको गा के बता भी नहीं पाएंगे कि हमने कैसा गाया था उस दिन। और राजा सर ने अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ करके किनारे खड़े हो गए और कुछ देर सोचने लग गए कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि सच में बहुत बुरा गाया था। और वही गाना आज जब हम गाते हैं तो लोग कहते हैं कि कमाल है। फिर से दो लाइनें जरा सुना दे। I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, jury got married, should have known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seems to last forever. And if I had a choice, yeah, I was gonna be there. Those were the best days of my life. Back in the summer of 69, yeah, hey, me and my baby in 69, yeah, hey, yeah. Very nice. So, you can see
देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी है इस एज ग्रुप में आने के बाद। हालांकि मैं बार बार एज ग्रुप कह रही हूँ, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं उम्मीद कर सकती हूँ इनको देखने के बाद आपके अंदर भी उतना ही जुनून भर गया होगा, क्योंकि अपने पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, तरक्की करिए, लेकिन अपने अंदर का बच्चा कभी मरने मत दीजिए। तो मैं आप लोगों से थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ क्या है, कौन कौन है आप लोगों की फैमिलीज में, आपके बच्चे किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज का यूथ जो है वो दो तरीके का है, कोई सपोर्ट करता है तो किसी को शर्म आती है कि उनके माता पिता इस एज में गाना गा रहे हैं, इस तरह कैशियो प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ आप लोगों को फेस करना पड़ा क्या, आप लोगों का वो कैसा मूवमेंट रहा? इनफैक्ट कहा जाए तो यार बच्चे भी प्राउड फील करते हैं हम लोग के लिए, भले ही हमारे मुंह पे ना बोले, बट इनफैक्ट जब अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं अंकल बहुत बढ़िया आपके बेटे, लोग बताते हैं कि बहुत बढ़िया सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस में जाते हैं, तो उन लोग के अंदर भी एक लगता है कि मोटिवेशन हम लोग बन रहे हैं। कहना बहुत आसान होता है कि हाँ भाई करेंगे मेरे बच्चे भी, बट हाँ दे सी अस एज अ स्मॉल मेंटोर ऑफ दिस। तो हम लोग के लिए इस तरह क्या चाहिए यार, हमारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, हमारे फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो व्हाट एल्स वी वांट यार। बाकी तो यार काम धंधा तो लाइफ में चलता ही रहता है। आपके घर में कैसा रहता है? मेरी बड़ी बेटी 17 साल की है, वो 12th स्टैंडर्ड में है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट में जो मुझे जो मिला वो था, एक दिन दौड़ती हुई आई, कहती है पापा मेरी फ्रेंड्स आई थी और वो कह रही थी यार तेरे डैड बहुत कूल हैं। सो दैट वॉज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी है, क्योंकि वो रॉक बहुत सुनती है, बहुत लाइक करती है, तो वो मुझे बताती रहती है कि देखिए पापा आप ये करिए, ये मत करिए, ऐसे करिए, ऐसे मत करिए। और क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूथ को, जो हम लोग गाते हैं वो बेसिकली पसंद करते हैं यूथ, तो उसके लिए यूथ का फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरी दोनों बेटियां बहुत इनकरेज करती हैं, बहुत लाइक करती हैं जो मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो भी हम इवेंट्स करने जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली, हम तीनों की पूरी फैमिली उन सारे इवेंट्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सब लोगों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है। देखिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रोफेशन है और बहुत डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं, तो वो जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, मेरी वाइफ का सपोर्ट ना हो, इनकी वाइफ का सपोर्ट ना हो, हम लोगों के बच्चों का सपोर्ट ना हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी तक आप लोगों ने इल्यूमिनाटी के लिए क्या कुछ किया, किस तरीके से उसे स्टैंड किया, कितने परफॉर्मेंसेज आप लोगों ने पब्लिक के बीच में किए हुए हैं, कितने लोग आप लोगों को पसंद कर रहे हैं? जैसे कि आज बहुत है आप लोग गा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि यूं ही मतलब गा रहे हैं, तो क्या कोई चार्ज आपको एज अ प्रोफेशन इसे बनाना चाह रहे हैं, कुछ इस टाइप का? देखिए अभी तक तो हम लोगों ने कभी प्रोफेशन इसको प्रोफेशन की देखा ही नहीं है, और इनफैक्ट वी डोंट इंटेंड टू चार्ज एनीथिंग। ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को विरासत में सर हम लोग को देते जा रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू टेक इट फॉरवर्ड, नो चार्जेस प्लीज, दिस इज नॉट फॉर द मनी एट ऑल। एंड यही हम लोग कर ले जाए तो सर के आशीर्वाद की वजह से और फ्रेंड्स की विशेष की वजह से दैट्स मोर देन इनफ। अगर हम लोग अपने जैसे पैशन को बाकियों में इग्नाइट कर ले गए और उनमें भी उनके पैशन को बाहर ले करके आने में उनकी मदद कर पाए, तो वही हम लोगों का सबसे बड़ा इनाम होगा और वही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है। पैसा कमाना ऊपर वाले की मेहरबानी से, हम लोग तीनों लोग बहुत वेरी वेल सेटल्ड हैं, पैसे की कोई ऐसी कमी नहीं है, पैसे के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं जी। तो यहाँ सर से जानना चाहूंगी, क्योंकि टीचर से बेहतर उनके बच्चों को कोई नहीं जानता है। तो जैसे कि जब इनका आपने सबसे बैड वर्जन देखा था कि अब तो ये लोग बिल्कुल बिगड़ चुके हैं म्यूजिक में, तो क्या आपको उस टाइम पे फीलिंग क्या आई थी कि अब भाई कैसे ये सब दोबारा से ठीक होगा? मैं क्या बताऊं, इनफैक्ट जितना इजी सोचा था उतना इजी तो हुआ नहीं। वो थोड़ा सा मेहनत लगा मुझे, और बल्कि इस एज में आके इन लोगों को मैंने बुरी तरीके से डांटा। मैं उस टाइम में चला गया जिस समय मैं इन लोगों का मतलब टीचर हुआ करता था, और उस समय जिस तरीके से पनिश करता था, जिस तरीके से मैं डांटता था उसी तरीके से। एंड रियली आई एम ब्लेस्ड कि ना इन लोगों के मतलब फैमिली मेम्बर्स लाइक इनके वाइव्स कभी भी, बल्कि वो लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सर हाँ बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल जब तक ये चीज़ नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो और भी ज़्यादा मतलब मैं और भी ज़्यादा मुझे मतलब ये सारी चीज़ें मोटिवेट करता है मुझे। और मैंने इन लोगों को सही में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सी मतलब दिक्कत आई मुझे,
लेकिन अल्टीमेटली मैंने बेस्ट निकाल दिया आपने, मैं जीत गया मैं। अल्टीमेटली मैं बहुत बड़ी बात है, अल्टीमेटली मैं जो चीज़ मैंने सोचा था वो कंपटीशन जो था एक तरीके से, मैं अपने आप से मैं ही कॉम्पिटिटर था, मैं ही जज था, मैं ही सब कुछ था, तो उसमें मैं जीत गया मैं। और अभी भी जीत शायद थोड़ी सी और बाकी है अभी मुझे, क्योंकि अभी और भी आगे, क्योंकि मैंने अभी पहले इससे पहले ही बताया था मुझे अभी और कुछ करना है, मुझे अभी और मतलब ले जाना है मुझे बिल्कुल टॉप में। पता नहीं टॉप, खैर टॉप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, आप जितना भी ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और आपको लगेगा और भी टॉप है इसके ऊपर, मगर ये दोनों मतलब ये जो चीज़ मैं चाहता था ये लोग मतलब उस चीज़ को ये लोग, मैं इन लोगों को समझा पाया हूँ, ये लोग सोचे हाँ सर क्या चाहते हैं, इस तरीके से हम लोग मेहनत करें इस तरीके से वो, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कहें और उसी चीज़ को ये लोग समझ लें, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं आप जैसे पढ़ा रहे हैं सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आती है वो चीज़ें, आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं आती है, कुछ लोग मतलब ट्यूशन लगाते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, लेकिन बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये दोनों जो चीज़ मैंने समझाया ये लोग समझे, उस पर वर्कआउट किए, थोड़ा सा मतलब वो हुआ, लेकिन फाइनली सर इमोशनल हो रहे हैं हमारे बहुत इमोशनल हैं, ये इमोशनल हो रहे हैं। इनका गुरु मंत्र हम लोग जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और इनका गुरु मंत्र क्या है वो मैं आप लोगों को भी दूंगा गुरु मंत्र। इनका गुरु मंत्र है मनोज कुमार, एज इज जस्ट अ नंबर। सही बात है, एज इज जस्ट अ नंबर, ये हमेशा ध्यान रखना। और इस गुरु मंत्र को मनोज और कुमार ने ग्रहण कर लिया है, क्या आप लोग रेडी हैं इसको ग्रहण करने के लिए? एज इज जस्ट अ नंबर, इस गुरु मंत्र के साथ ये दोस्त आगे बढ़ते चले गए, जहां संगीत की ललक और सीखने के जुनून ने इन्हें वापस अपनी ख्वाहिशों से मिलवा दिया। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसे इनके गुरु ने गुरु मंत्र दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो इसी के साथ ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जान लेते हैं कि इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में कुछ बताइए कि अब आप लोग नया क्या करने वाले हैं। ऐसा है कि अब हम लोग रिसेंटली एक बहुत बड़ा फैशन शो करने जा रहे हैं, और उनके साथ हम एक रॉक का एक समागम करने जा रहे हैं कि रॉक शो भी साथ में कर रहे हैं। तो इट्स गोना बी अ फर्स्ट इवेंट यूपी में ऐसा होगा जिसमें रॉक शो और फैशन शो एक साथ होगा। सो ये बहुत बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, फैशन शो भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ है। इनफैक्ट रॉक शो में तो हमारे सर ने और मनोज ने पूरा आप लोगों को ब्रीफ कर ही दिया कि क्या क्या नया हम लोग करने वाले हैं। तो आई थिंक सर वी शुड प्ले दैट वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ द मेडले। तो मेडले के लिए आप लोग तैयार हो जाइए कि एक खूबसूरत गाना जो है इस शाम, ये शाम भी खत्म होने वाली है, तो गाने के साथ ही क्यों ना इस खूबसूरत शाम को एंड किया जाए। और मुझे इजाजत दीजिए और आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत मेडले को। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ सौम्य मिश्रा, जेएमपी न्यूज। वो जाके कैंटीन में टेबल बजाते व्हेन वी रिमेंबर ज़ायन। जो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmtnews।